कल मैं एक शादी में गया था तो वहाँ खाने की प्लेट देने के बाद माथे पे तिलक लगा रहे थे। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनसे कहा ये तो आपकी बहुत ही अच्छी परंपरा है। इतने में बोले काहे की परंपरा भैया, 2000 रुपया कैटरिंग प्लेट है, अब पहचान में आ जाएंगे साले। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। गैरों की बदतमीजी तक बर्दाश्त नहीं, अपनों की हर चोट सह लूंगा मैं। गैरों की बदतमीजी तक बर्दाश्त नहीं, अपनों की हर चोट सह लूंगा मैं, और अगर अपने ही घर में पूछ कर आना पड़ गया इससे अच्छा तो किराए पर रह लूंगा मैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। शकल भूल गया तू, वो भी खराब है। जिंदगी में कभी तीन चीजें मत करना दोस्तों, घर वालों की मर्जी से शादी, अपने पसंद की शादी और शादी। अरे एग्जिट पोल को देखकर मिठाई और पटाखे का ऑर्डर ना दे, क्योंकि सजी सजाई दुल्हन भी मंडप से भाग जाती है। एक जमाना था जब वो हमारे गले की टाई खींचकर कहती थी आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या, और अब गला दबाकर कहती है अरे घर में ही पड़े रहोगे, ऑफिस नहीं जाना है क्या। कल दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहिनी रोज रोज गाय और कुत्ते को कहाँ ढूंढने जाएं, इसीलिए बहिनी एक रोटी मैं खा लेती हूँ और एक रोटी उनके टिफिन में रख देती हूँ। हाँ ये साली ठंड भी बिल्कुल बीबी की तरह हो गई है। अरे 4 दिन मायके से होके वापस चली आई हमारी नाक में दम करने के लिए। आने वाले साल को सलाम। ओए, अरे सिर्फ साल बदल रहा है, घरवाली नहीं। मेरा बचपन से ही टीचर बनने का शौक था, मैं टीचर तो नहीं बन पाया लेकिन मास्टर बन गया। इस कड़ाके की ठंड में भले ही मौत आ जाए पर रजाई में घुसने के बाद ये ना आए, भाई बहुत तेज गुस्सा लागत है। आज 10 साल बाद पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आया, मेरी आंखें भर आई जब उसने मुझसे प्यार से ये कहा कि जानू एक पॉलिसी ले लो प्लीज, टारगेट पूरा करना है। हमारे इंडिया के लोग भी बड़े अजीब हैं। अरे जहां मुफ्त में अगर कंघी भी मिल रही हो तो 10 लोगों के भीड़ में 4 गंजे ये सोच के शामिल हो जाते हैं कि चलो कंघी ही सही, कम से कम खुजाने के काम तो आएगी।